गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। चार क्वेश्चन हैं जिनमें से अक्सर इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही सिंपल टर्म है जिसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। पहला है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। अब इसके बाद क्या होता है, रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को ब्याज पे रुपए देता है। बैंक को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए, वो आरबीआई से जिस रेट पर लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं, जो कि 2022 में 4.90 है। जब मैंने अभी आज के दिन देखा, 4.90 है। जिस दर पे आरबीआई बैंकों को ब्याज पे पैसे देता है, वो दर 4.90, उसको रेपो रेट कहते हैं। जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आरबीआई से लेता है, और जिस दर पे लेता है, जिस इंटरेस्ट पे लेता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई को जरूरत पड़ जाती है तो आरबीआई भी बैंकों से पैसा लेता है, उसको जब आरबीआई लेता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो कि अब है 3.35%। जब आरबीआई से बैंक लेता है तो रेपो रेट, और बैंक से आरबीआई लेता है तो रिवर्स रेपो रेट। बहुत ही सिंपल है। जब आरबीआई से बैंक लेता है ब्याज पे पैसे तो रेपो रेट, और जब आरबीआई लेता है बैंकों से तो रिवर्स रेपो रेट। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये बदलता रहता है और ये इंटरनेट पे आप कभी भी चेक कर सकते हैं। अब सीआरआर, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। एक फिक्स अमाउंट हर बैंक को आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। एक फिक्स रेट, एक फिक्स अमाउंट आरबीआई को, बैंकों को आरबीआई के पास, सभी बैंकों को एक फिक्स अमाउंट आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। सभी बैंकों को एक फिक्स अमाउंट आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है, उसे सीआरआर, क्रेडिट रिजर्व रेशियो कहते हैं। एसएलआर, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को खुद के पास लिक्विड फॉर्म में कुछ अमाउंट रखना पड़ता है हमेशा। बैंकों को फिक्स अमाउंट कुछ अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि कोई निकलवाने पैसे आए तो उनके पास कुछ पैसा हो, वो फिक्स अमाउंट। एसएलआर, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, एक फिक्स अमाउंट बैंकों को अपने खुद के पास फिक्स अमाउंट रखना पड़ता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में, उसे कहते हैं स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इनको बहुत घुमा फिरा कर कितना भी कह लो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल टर्म है। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आरबीआई जिस दर से बैंकों को ब्याज पे पैसे देता है रेपो रेट, आरबीआई जिस दर पे बैंकों से पैसा लेता है रिवर्स रेपो रेट, एक फिक्स अमाउंट जो सभी बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है सीआरआर, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, और एक फिक्स अमाउंट जो बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में हर समय, ताकि कोई पैसे निकलवाने आए तो बैंक ये तो नहीं कहेगा हमारे पास नहीं है अभी पैसे, तो एक फिक्स अमाउंट उनको खुद के पास भी रखना पड़ता है, उसे कहते हैं स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये चार बहुत ही आसान सी टर्म है। थैंक यू दोस्तों, एक बहुत छोटी सी वीडियो बनी है।